तो सभी को नमस्कार। उम्मीद है सब बेहतर होंगे, शानदार होंगे। आज की वीडियो में हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे और नया टॉपिक बहुत ही इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन वाला आपके लिए रहने वाला है। इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये है इस वीडियो में कि अब यानी कि ये मान सकते हैं आप, आज से ही आगे प्रधानमंत्री रोज़गार मेला आयोजित नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये लेटर हमारा MSDE की साइट की तरफ से, अप्रेंटिस डिवीज़न की तरफ से रिलीज हुआ है 2 अप्रैल को, जिसमें बताया गया है कि अब आप आगे से रोज़गार मेला आयोजित नहीं कर सकते प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिस। ठीक है, और कोई भी अप्रेंटिसशिप वर्कशॉप जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आयोजित की जाती हैं वो भी नहीं कर सकते। ये निर्णय भारत सरकार के डिपार्टमेंट MSDE ने इलेक्शन के चलते लिया है। आचार संहिता अभी आपको पता है कि हमारे देश में लगी हुई है इलेक्शन के कारण, इसलिए कोई भी हम इस तरीके की गतिविधि अप्रेंटिसशिप वर्कशॉप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर जो हमारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला आयोजित किया जाता है वो हम आयोजित नहीं कर सकते। इसके बारे में ये लेटर इशू किया गया है, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है। ठीक है, ये देखिए कि इस पॉइंट नंबर 2 में, इन व्यू ऑफ द अबव इट इज़ डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म दैट PMNM एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल अवेयरनेस वर्कशॉप, ठीक है, हैव बीन डेफर्ड यानी कि कैंसिल कर दी गई है स्टेट यूपी सभी राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेश में। देयरफॉर आर बीइंग रिक्वेस्टेड टू ऑर्गेनाइज PMNM एंड वर्कशॉप फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई 24। यानी कि अभी ये कुछ समय के लिए ही डेफर किया गया है, इसे जुलाई 24 के बाद यानी कि आचार संहिता कंप्लीट होने के बाद हम इसे फिर से जारी कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये केवल 2-3 महीने के लिए ही डेफर किए गए हैं, इसके बाद आप दोबारा से जारी कर सकते हैं, इसलिए ध्यान रहे। इस दौरान आपको कोई भी PMNM या अप्रेंटिसशिप वर्कशॉप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आयोजित नहीं करनी है।